टीवी न्यूज और करंट अफेयर्स सेशन में सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग 2 दिन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। 1 अगस्त को यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे और 10 अगस्त की इंपॉर्टेंट फाइल न्यूज को यहाँ पर कवर करेंगे। आपको बता दें कि 11, 12, 13 ये तीनों दिन की न्यूज आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से अगले दिन हम लोग 14, 15 कर लेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 18 अगस्त जब आएगा तो उस दिन हम लोग फ्रेश न्यूज पर आ चुके होंगे, ठीक है। फ्रेश न्यूज आपको मिलेगी 18 अगस्त से, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला अपडेट यहाँ पर राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से है, ये 1 अगस्त की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 अगस्त को यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन के अवार्ड्स को यहाँ पर वितरित किया था, या फिर कह सकते हैं अवार्ड सेरेमनी हुई थी यहाँ पर पार्लियामेंट में। आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड आपको बता दें, इसका अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुका है, 2018 में फेब में ही हो चुका है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड 2018 का हो चुका है अनाउंस फेब में ही, ठीक है। इसके तहत यहाँ पर 2014 से लेकर के 2018 तक 4 यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन चुने गए हैं, उन सबके नाम आपको ध्यान रखने होंगे। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार या फिर कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन के अवार्ड्स किसको किसको मिले हैं, सबसे पहले तो श्रीमती नजमा हेपतुल्ला को, श्री हुकुमदेव नारायण यादव को, ठीक है, गुलाम नबी आजाद को, श्री दिनेश त्रिवेदी को, श्री भर्तृहरि महताब को, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, आपसे पूछ सकते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस पूछने था, अगर कोई अवार्ड मल्टीपल लोगों को दिया गया है तो वहां पर क्या करते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि ये अवार्ड इनमें से निम्नलिखित में से किसी को नहीं मिला है, तो जिसको नहीं मिला है वो आपको चूज करना पड़ता है ऑप्शंस में से। तो किसको नहीं मिला है ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किन किन को पर्टिकुलर अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। बाकी राष्ट्रपति जी ने काफी सारी चीजें बताई थी यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन अवार्ड के बारे में, अपने अनुभव साझा किए थे और इनका सम्मान करते हुए इनकी तारीफें भी की थी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट था, LIC और IDBI बैंक के संबंध में। LIC क्या करने वाला है, IDBI बैंक के क्या करने वाला है, नियंत्रणकारी हिस्से पर एक्विजिशन करेगा, अधिग्रहण कर लेगा, ठीक है। 51% हिस्सा अब LIC के पास होगा, जो कि पहले 7-8% के करीब हुआ करता था। IDBI बैंक का नियंत्रणकारी हिस्सा अब अधिग्रहित किया जाएगा LIC के द्वारा, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इस समय इसके चेयरपर्सन है VK शर्मा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे इस एक्विजिशन के बारे में। IDBI बैंक के बारे में आप जान लीजिए, IDBI बैंक पर क्या है कि ये थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड चल रहा था यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर उभरने के लिए जरूरी था कि कोई इसको निवेशक मिल जाए, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्विजिशन जरूरी था, ठीक है। तो सबसे पहले सरकार ने एक काम किया है कि जो सरकार की हिस्सेदारी थी IDBI बैंक में, यहाँ पर जो भी नाम है इसका मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी का 50% जो है हिस्सा उसको कम करने की स्वीकृति दे दी गई, एक चीज, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि बैंक के प्रमोटर के रूप में LIC को यहाँ पर उसके कह सकते हैं 51% हिस्से अधिग्रहित करने की मंजूरी दे दी गई, ठीक है। इससे यहाँ पर कुछ फायदे होंगे LIC को भी, IDBI बैंक को भी, और इन दोनों ही निकायों के कस्टमर्स को भी। तो देखते हैं क्या क्या है इस एक्विजिशन के माध्यम से, दोनों को फायदा होगा। आप जानते हैं कि LIC एक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, IDBI एक बैंक है, तो दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जाहिर सी बात है, और दोनों को इसका फायदा मिलने वाला है। फायदा क्या क्या है, यहाँ पर दोनों को एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा, जब दो लोग साथ आते हैं तो यहाँ पर फायदा होता है दोनों को ही, ठीक है। आप ऐसे समझिए यहाँ पर कि जैसे बहुत सारी चीजें काम करती है यूट्यूब पर, तो अगर एक ही विषय पर, ठीक है, एक ही टॉपिक पर कई लोग अगर वीडियो बना रहे हैं तो उनके व्यूज बढ़ जाते हैं, ठीक है, उनके लाइक्स, उनकी व्यूवरशिप, उनके सब्सक्रिप्शन बढ़ जाते हैं अगर एक ही टॉपिक पर कई सारे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा एज्यूम करो कि एक टॉपिक पर खाली एक ही बंदा वीडियो बनाए तो उसके व्यूज बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि उसके पास मोनोपोली होगी। तो यहाँ पर ये बात होती है कि जब दो लोग साथ आते हैं, आप मान लो कि कई सारे यूट्यूबर एक ही टॉपिक पर मिलकर वीडियो बनाए तो वहां पर सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे उस वीडियो पर। तो इसको ऐसे समझिए आप लोग कि जब दो यहाँ पर निकाय साथ आए तो यहाँ पर दोनों को फायदा होगा, दोनों को बड़ा मार्केट मिल जाएगा, वितरण लागत में कटौती होगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं, और यहाँ पर अत्यधिक क्षमता बढ़ेगी, संचालन में लचीलापन आएगा, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी क्योंकि वर्क फोर्स दोनों साझा करेंगे जरूर से जरूर। और ठीक है, LIC और
बैंक को वित्तीय रूप से मदद मिलेगी। आपको बताया था हमने यहाँ पर आईडीबीआई के एसेट्स यहाँ पर स्ट्रेस्ड चल रहे थे और इसी वजह से सरकार ने निर्णय लिया था यहाँ पर पहली चीज की सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% से कम करने वाली है, ठीक है, और प्रमोटर के रूप में एलआईसी को यहाँ पर ऑफर के आधार पर पेशकश दी गई थी कि वो इसके यहाँ पर शेयर्स खरीद सकते हैं। एलआईसी यहाँ पर अब 50% से भी ज्यादा इसके शेयर्स खरीद चुकी है आईडीबीआई बैंक के। दोनों ही निकाय एलआईसी और आईडीबीआई एक दूसरे के कह सकते हैं प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। आईडीबीआई सहयोग कर सकता है एलआईसी के बीमा वो पॉलिसी बेचने में और एलआईसी सहयोग कर सकता है ये प्रमोट करने में कि आईडीबीआई के ज्यादा से ज्यादा फंड्स खरीदे जाएं, ज्यादा से ज्यादा वहाँ एफडीज हो, ठीक है, रिकरिंग अकाउंट्स वगैरह खोले जाएं, इस तरह की बात हो सकती है। और डोर टू डोर बैंकिंग के लिए यहाँ पर एलआईसी काफी मदद कर सकता है आईडीबीआई को, क्योंकि एलआईसी के पास आप जानते हैं काफी सारे एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर डोर टू डोर बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग कह सकते हैं, ये प्रॉपर टर्म है, डोर स्टेप बैंकिंग के लिए यहाँ पर एलआईसी अपने एजेंट्स के माध्यम से, जिनकी संख्या करीब 11 लाख है, आईडीबीआई बैंक की सहायता कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। हाँ, और ये जरूर ध्यान रख लेना यहाँ पर कि आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सेदारी इस समय एलआईसी की है। अगला इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से, यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इसका फुल फॉर्म होता है और एमएसएमई मंत्रालय हमारे यहाँ पर है। तो सौर चरखे मिशन की बात हो रही है यहाँ पर। सौर चरखा मिशन, अगर आपको याद हो जून करंट अफेयर्स, थोड़ा सा बैक डेट पर जाइए, 27 जून 2018 को, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, यूएन एमएसएमई दिवस मनाते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे मनाते हैं। इस दिन हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 27 जून 2018 को इसका शुभारंभ किया था, ठीक है। और गिरिराज सिंह जी जो हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के हेड हैं इस समय, उनके द्वारा जानकारी दी गई थी। और जानकारी कुछ इस प्रकार से थी कि यहाँ पर करीब 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, और इसके तहत यहाँ पर क्लस्टर्स के जरिए काम होगा, कुछ क्लस्टर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है, और उनको यहाँ पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक क्लस्टर में 400 से 2000 के करीब यहाँ पर रहने वाले थे श्रमिक लोग, कारीगर लोग, उनको प्रशिक्षण दी जाने की बात की जा रही थी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में। वस्त्र मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की तरफ से यहाँ पर पावर लूम का एक्सपेडेशन करने संबंधित है, पावर लूम को अपग्रेड करने संबंधित है, ठीक है। इसके संबंध में एक साथी योजना भी चलाई गई थी यहाँ पर 2017 में, अगर आपको याद हो। साथी योजना किससे संबंधित है, यहाँ पर वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने संबंधित है। इसके तहत जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है ईईएसएल, इसको यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया था। ये सस्ते दरों पर सब्सिडाइज्ड रेट पर मोटर वगैरह प्रोवाइड करवाने वाले थे टेक्सटाइल उद्योग को, जिससे वो वीविंग के क्षेत्र में, लूमिंग के क्षेत्र में, हैंडलूम हो या फिर पावर लूम वगैरह, या फिर किसी भी क्षेत्र में अपने उद्योग को स्थापित कर सकें और उसको बढ़ा सकें, ठीक है। साथी स्कीम किससे रिलेटेड है, आप ध्यान रखिएगा, ये टेक्सटाइल संबंधित है। साथी स्कीम किस मंत्रालय की है, वस्त्र मंत्रालय की है, इसकी नोडल एजेंसी है ईईएसएल, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जो कि यहाँ पर उजाला योजना की भी नोडल एजेंसी है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं पावर लूम के कह सकते हैं अपग्रेडेशन के संबंध में। तो पावर लूम का अपग्रेडेशन समझने से पहले आपको पावर लूम का मतलब पता होना चाहिए, और उससे भी पहले यहाँ पर लूम का ही मतलब पता होना चाहिए कि लूम आखिर में होता क्या है। देखो, लूम का मतलब पहले समझो, लूम एक सिंपल सा कह सकते हैं प्रोसेस होता है, सिंपल सा प्रोसेस, जिसमें जो थ्रेड्स होते हैं उनको यहाँ पर किसी एक छोटे से मशीन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको एक कपड़ा बना देते हैं। थ्रेड से ही कपड़ा बनता है, बहुत फाइन जो फाइबर्स होते हैं थ्रेड के, उनको इस तरह से कह सकते हैं पिरोया जाता है ऐसे ऐसे करके, और फिर ऐसे ऐसे करके, तो बहुत फाइन यहाँ पर कपड़ा बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं लूमिंग, और जो मशीन यूज करते हैं लूमिंग करने में उसको हम लोग लूम बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह के लूम आते हैं, तो अभी यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इस वाली पिक्चर में, आप देखोगे कि सिंपल लूम है, ठीक है, ये है एक सिंपल लूम, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोसेस की जा रही है इनके द्वारा ये है लूमिंग, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पावर लूम, ठीक है। और हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर काम हो रहा था हाथ से, ठीक है, यहाँ पर काम हो रहा है मोटर के माध्यम से, तो ये पावर लूम है हमारा। तो पावर लूम को और भी अपग्रेड करना को, अब देखो कैसे मिलेगा, जो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं उनको शटल लूम कैसे प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर है कि एक प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना है, ठीक है, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना, ठीक है। अब इसके तहत क्या करने वाले हैं, जो इंटीग्रेटेड आईटीयूएफएस
सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो लोग इस तरह की यूनिट्स से जुड़े हुए हैं, पावर लूम यूनिट्स से इस समय जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर डालेंगे एक एप्लीकेशन, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अप्लाई करेंगे वो लोग और फिर उनको वित्तीय सहायता मिलेगी, उनके बैंक खातों में या फिर किसी भी माध्यम से वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे बाद में वो देख सकते हैं कि उनका फंड आया कि नहीं, कि वो लोग बाद में यहाँ पर शटल वाली लूम्स खरीद सकें, ठीक है। ये यहाँ पर कुल मिलाकर बात है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन होने वाला है, किसके संबंध में, यहाँ पर एनआरआई विवाह विवाद में बच्चे की अभिरक्षा के मामलों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे कि किस लिए है और कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एनसीपीसीआर के बारे में। एनसीपीसीआर है क्या? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, किसके अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से। यहाँ पर क्या करने वाले हैं? एनआरआई यानी कि नॉन रिसाइडिंग इंडियन विवाह विवाद में बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जो विवाद होगा बच्चे की कस्टडी के संबंध में, अगर एनआरआई विवाह विवाद होता है तो वहां पर बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर ये लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। डब्ल्यूसीडी को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम यानी कि सीपीसीआर 2005 एक्ट के तहत जो भी उसको अधिकार मिले हुए हैं उसके तहत यहाँ पर एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन करने वाले हैं। उसमें यहाँ पर अब 3 मेंबर्स होंगे केवल, एक चेयरमैन होगा और एक यहाँ पर सदस्य होगा इन मामलों से संबंधित, एक सदस्य होगा बच्चों के मनोविज्ञान समाजशास्त्र संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पर बात को समझना, एनआरआई विवाह, ठीक है, एनआरआई विवाह विवाद की बात हो रही है। तो यहाँ पर एनआरआई विवाह विवाद को सबसे पहले समझेंगे। मान लो यहाँ पर शादी होती है किसी एनआरआई विमेन की, किसी इंडियन यानी कि यहाँ के नेटिव मैन के साथ, यहाँ पर उनके बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है और उनके बच्चे भी हैं या फिर एक बच्चा है, ठीक है, और वो लोग अलग होना चाहते हैं। तो इस संबंध में क्या होता है कि वुमेन हो चाहे मैन हो, ठीक है, एनआरआई मैन हो चाहे एनआरआई विमेन हो, वो लोग प्रयास करते हैं कि बच्चा उन्हीं के पास रहे। तो उनके पास सीधा सरल सा विकल्प होता है, वो लोग बच्चे को लेकर के उस देश में चले जाते हैं, वहां वो रह रहे होते हैं इम्परमानेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा विवाद हो जाता है और फिर जो लोग कस्टडी लेना चाहते हैं बच्चे की, वो फिर अपना कह सकते हैं अपनी बात नहीं रख पाते हैं, ठीक है। वो लोग लेकर के भाग जाते हैं बच्चों को, एनआरआई वाले कपल्स में से चाहे मैन हो या चाहे विमेन हो, वो ऐसा करते हैं कि लेकर के भाग जाते हैं अपने बच्चे को, जिससे उनको कस्टडी ना मिल सके और बल्कि दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं मिलता है। तो इस संबंध में यहाँ पर एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन होगा, ठीक है, और जिन लोगों के बीच भी इस तरह का झगड़ा चल रहा है वो इसके लिए यहाँ पर कह सकते हैं आ सकते हैं प्रकोष्ठ के पास, और वो लोग बहुत सारी चीजों पर विचार करते हुए, कंडीशंस पर विचार करते हुए, चाहे महिला हो या पुरुष, किसके पास बच्चा सबसे ज्यादा सेफ रहेगा, इन सब चीजों पर विचार करते हुए अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है, अपना फैसला सुनाते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा। इस मध्यस्थता प्रकोष्ठ का फैसला और केवल कह सकते हैं एक मोरल फैसला रहेगा, ठीक है, जरा भी बाइंडिंग नहीं है। जो दो लोग गए हैं उस पर प्रकोष्ठ में जो भी फैसला सुनाया गया है वो उन दोनों पर बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट में अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो अलग से जा सकते हैं, कोर्ट की कार्यवाही में कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पर ये प्रकोष्ठ नहीं कर सकता है, ये बात आप ध्यान रख लेना। जो इस प्रकोष्ठ का कॉन्सेप्ट है वो लोक अदालत जैसा है, जो आपसी अंडरस्टैंडिंग पर मुद्दों को सुलझाने में विश्वास रखता है, तो ये इसमें समझना। जो भी यहाँ पर प्रकोष्ठ फैसला सुनाएगा वो वैकल्पिक है, अगर दोनों पक्ष नहीं मानते उस फैसले को या फिर किसी भी से भी किसी एक को ये लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो डायरेक्टली कोर्ट तक जा सकते हैं और बाकी सारी प्रोसीडिंग्स वहीं पर होगी और फैसला वैसे के वैसे धरा रह जाएगा, ठीक है। तो लोक अदालत टाइप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बिना लड़ाई झगड़े के आपसी समझौते के आधार पर बच्चे की कस्टडी किसको मिले इससे संबंधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे आर्टिकल में इंटीग्रेटेड नोडल एजेंसी की बात कही जा रही है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड नोडल एजेंसी यहाँ पर जो भी फैसला देगी उसे हम लोग न्यायालय की कार्यवाही में यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं मानेंगे, यानी कि न्यायालय की कार्यवाही अपनी जगह पर चलती रहेगी। इंटीग्रेटेड नोडल एजेंसी यहाँ पर जो भी फैसला सुनाएगी किसके माध्यम से, प्रकोष्ठ जो भी यहाँ पर छानबीन करेगा उसके माध्यम से इंटीग्रेटेड नोडल एजेंसी यहाँ पर जो फैसला सुनाएगी, ठीक है, उसके आधार पर चाहे तो जो दो पक्ष आए हैं वहां पर वो आपस में समझौता कर सकते हैं और बच्चे की कस्टडी कोई एक रख सकता है, लेकिन अगर दोनों नहीं मानते हैं तो न्यायालय तक जा सकते हैं, वहां कार्यवाही फिर अपने हिसाब से चलेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर संजय मेनका गांधी यहाँ पर कह सकते हैं हेड है WCD की, ये बात आप ध्यान रखें। और मेनका संजय गांधी ने यहाँ पर एक नारी पोर्टल करके भी लॉन्च किया था 2018 की शुरुआत में, इसका भी नाम आप ध्यान रखें। नारी पोर्टल यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल संबंधित है और यहाँ पर वुमेन्स संबंधित है। वुमेन्स के वेलफेयर के लिए कोई भी स्कीम आती है तो उसकी सारी जानकारी नारी पोर्टल पर मिलेगी। नारी पोर्टल का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि नारी पोर्टल जो शुरू किया गया था WCD के द्वारा 2018 की शुरुआत में, इस एब्रिविएशन नारी का फुल फॉर्म क्या है। WCD की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है जो कि वृंदावन में, वृंदावन उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर विडोज के लिए, ठीक है, विधवाओं के लिए यहाँ पर एक शेल्टर होम बनवाया गया था, उसका नाम कृष्ण कुटीर है। उसके लिए यहाँ पर लोगो डिजाइन का कॉन्टेस्ट शुरू किया गया था, ठीक है, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जो भी लोगो बना सकता था वो अप्लाई कर सकता था। आपको बता दें कि जो नाम रखा गया है कृष्णा कुटीर इस वृंदावन वाले शेल्टर होम का, ये भी इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से रखा गया था, ठीक है, कॉन्टेस्ट के माध्यम से ये कृष्णा कुटीर जो नाम है इस आश्रम का ही रखा गया था, और लोगो भी एक कॉन्टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर डिजाइन करवा रही है मिनिस्ट्री, ठीक है। कृष्ण कुटीर के बारे में आप जाने कि इसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है, ठीक है, और फंड्स मिले थे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था, वृंदावन में बना हुआ है और ये अब तक का विडोज के लिए सबसे बड़ा शेल्टर होम माना जा रहा है। इसमें करीब 1,000 कह सकते हैं विडोज रह सकती हैं और उनके लिए काफी सारी सुविधाएं बनवाई जा रही हैं, जैसे कि रैंप वहां पर बना हुआ है, लिफ्ट की सुविधा होगी जिससे जो वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध विडोज हैं, उनको कोई भी तरह की असुविधा ना हो, दिव्यांग अगर कोई विधवा वहां पर है तो उसे भी किसी तरह की परेशानी ना हो, बिजली पानी की सारी व्यवस्था उपलब्ध होगी। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग एक बन रही है, सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं, पौष्टिक भोजन, कानूनी परामर्श वगैरह सब इनको मिलेगा, ठीक है, और ये आश्रम जल्दी शुरू होने वाला है, लगभग इसका निर्माण पूरा हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से अपडेट ये आया है 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख वाली अब देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर परिवेश को लॉन्च किया गया है, ठीक है, परिवेश एक पोर्टल है लॉन्च किया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, इस समय हेड है डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीज जानेंगे बेहद सरल भाषा में, ठीक है, ये डिजिटल इंडिया के तहत बनाया गया है, जितने भी सरकारी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, वेब पोर्टल आ रहे हैं, उमंग ऐप आ रहा है, कोई भी ऐप या पोर्टल गवर्नेंस संबंधित आ रहा है, आप उसको एक डिजिटल इंडिया का फैक्टर मानेंगे, डिजिटल इंडिया का घटक मानेंगे, ठीक है। तो इसके तहत क्या करने वाले हैं, ये एक वन स्टॉप सेंटर बता रहे हैं इसको, एक कह सकते हैं प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, जिसके तहत केंद्र स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर किसी भी विभाग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, कंपनी के द्वारा अलग अलग तरह की स्वीकृतियां यानी कि मंजूरी लेने के लिए, किसके संबंध में मंजूरी लेने के लिए, पर्यावरण के संबंध में, फॉरेस्ट एरिया के संबंध में, वाइल्ड लाइफ कह सकते हैं सेंचुरी के संबंध में, नेशनल पार्क के संबंध में, कोस्टल एरियाज के संबंध में कोई भी स्वीकृति अगर लेना है तो उसके लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के साथ साथ आगे की प्रक्रिया की जानकारी भी ले सकते हैं कि क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है, और जो डिलीवरी होगी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मंजूरी मिलेगी वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगी, बिल्कुल सारा प्रोसेस डिजिटली होगा, ये यहाँ पर कुल मिलाकर कोर बात है। और हर्षवर्धन ने यहाँ पर बताया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, कि परिवेश के माध्यम से जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है ये ई शासन के सपने को पूरा करना चाहती है, जो मोदी जी का सपना है कि हर विभाग में यहाँ पर ई गवर्नेंस से यहाँ पर कह सकते हैं शासन किया जाए। और इस पोर्टल को लॉन्च करने के साथ साथ ये जो मिनिस्ट्री है, जो पर्यावरण मंत्रालय है, ये एक अथॉरिटी ना होकर के एक कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर वाला निकाय बन चुका है, ऐसा इनका मानना है। जो खासियत है परिवेश की वो ये है कि सभी प्रकार की स्वीकृतियों के लिए सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है, आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो देखोगे, सिंगल एक लॉगिन का है, एक साइनअप का है और एक रजिस्ट्रेशन का है, ठीक है, तो वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं पर्यावरण के संबंध में, फॉरेस्ट के संबंध में, वाइल्ड लाइफ के संबंध में यहाँ पर, और यहाँ पर तटीय क्षेत्र यानी कि कोस्टल एरियाज के संबंध में स्वीकृति लेने के लिए, ठीक है, और ये सिंगल विंडो हब इसको बता रहे हैं, ठीक है। अब अगले पर आएंगे, यहाँ पर ट्राइब्स इंडिया ने पेश की है उगाई जा सकने वाली इको फ्रेंडली राखियां, ठीक है, ट्राइब्स इंडिया ट्राइफेड ने किया है, ठीक है, और ट्राइब्स इंडिया .com पर ये बिकेंगी, ये इको फ्रेंडली राखी है, इनकी विशेषता क्या है ये देखते हैं। विशेषता इस राखी की ये है यहाँ पर कि ये पूरी तरह से सीड पेपर से बनी हुई है, सीड पेपर इनको नहीं पता वो बता दें, सिंपल सा पेपर होता है जिसमें सीड्स कह सकते हैं लगी होती हैं, सीड्स उसमें छिपी हुई होती हैं, वो सीड पेपर होता है, सीड से
कह सकते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जब आप उस पेपर को सॉइल में बरी कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर पेपर होगा और आप उसके अंदर मतलब पेपर आप दफना देंगे सॉइल में सिंपली, जैसे आप बीज वगैरह दफनाते हैं, और बाद में थोड़ा सा खाद पानी सनलाइट वगैरह उसको मिलेगी तो वहां पर एक प्लांट उगाता है। ये यहाँ पर सीड पेपर कॉन्सेप्ट है। ट्राइफेड ने जो राखी बनाई है इसमें केवल और केवल कपड़े और सीड पेपर का उपयोग हुआ है, किसी भी प्रकार के अन इको फ्रेंडली पदार्थ का यूज नहीं हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का यूज नहीं हुआ है। ये ध्यान रख लेना आप लोग कि इन सीड पेपर्स को मध्य प्रदेश के ओरछा डिस्ट्रिक्ट की सहारिया ट्राइब्स की महिलाओं ने डेवलप किया है, ठीक है। और इस सीड पेपर में गेंदे के बीज और तुलसी के बीज लगाए गए हैं, तो अगर ये राखी गलती से सॉइल में चली जाए या फिर इंटेंशनली सॉइल में दफनाई जाए तो यहाँ पर एक प्लांट उग सकता है, ठीक है। तो काफी अच्छी पहल बताई जा रही है कि त्योहार के माध्यम से भी हम लोग इन्वायरमेंट को प्रमोट करेंगे, इन्वायरमेंट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए, ये यहाँ पर कुल मिलाकर थीम है इस बार की, ठीक है। तो राखी कैसी दिखती है आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये पीआईबी ने फोटो डाली थी राखी की, 10 अगस्त को ये कुछ इस तरह की राखी दिखेगी। आप इसको कहीं से भी खरीद सकते हैं, ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट से खरीद सकते हैं, आप इसको अमेजोन से बाई कर सकते हैं, आप इसको फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स वाली वेबसाइट से खरीद सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेशन यहीं पर खत्म होता है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिसको पीडीएफ चाहिए यहाँ पर वो ओनली यूपी पीसीएस वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर सारी पीडीएफ आजकल सबसे पहले डाली जा रही है, ठीक है। तो ओनली यूपी पीसीएस करके हमारा चैनल है, उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बल्कि पीडीएफ मेरे हिसाब से कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, जो मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, ठीक है, जिस हिसाब से आपको पीआईबी पढ़नी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो मैं पिक्स पीआईबी से ही लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों कल के सेशन में मिलेंगे, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो ये पता नहीं चल पाता है कि वीडियो कैसा बना है, ठीक है। हम लोग दोस्तों मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।